सो भाई फाइनली भाई अपने रॉकी भैया जी की वापसी में मैं इतना खुश हूं ना भाई, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा लंबा टाइम लगा दिया है। 4 साल, 4th month, 14th day को ये मेरा मतलब ये था कि इसके ट्रेलर को देख के मैं बोलूंगा इन्होंने बिना दिए मजे भी दे दिए पब्लिक को। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है बालक, इन्होंने ट्रेलर में 1% स्टोरी भी रिवील नहीं करी, लेकिन प्रेजेंटेशन देखो भाई ओपी टॉप नॉच पे इन्होंने रखा हुआ है। और उसके अलावा मैं तुम्हें गुड न्यूज भी देता था। कैसा लगा मेरा मजाक? और फिर अब एक गुड न्यूज के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। हमारे KGF के जो डायरेक्टर है वो हमारे लिए एक और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं, एक और नई मूवी लेकर आने वाले हैं जो कि बहुत ही बड़े एक्टर के साथ है, और वो है प्रभास जी, जिनकी फिल्म का नाम है सलार करके। तुम देख सकते हो तो तुम कह सकते हो कि अब ये डायरेक्टर रुकने वाला बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी। तो भोसड़े के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। सो जाते जाते मैं बोलूंगा भाई KGF में 3 चीजें है ना कभी नहीं बदल सकती, और वो बदलनी भी नहीं चाहिए। पहली चीज वो है अपने रॉकी भैया जी का स्वैग। दूसरी चीज अपने रॉकी भैया जी की अंग्रेजी। बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। और तीसरी चीज जो कि सबको पता है, अपने रॉकी भैया जी की एंट्री। मे आई कम इन?